वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। महोदय, आज जितनी तेजी के साथ लोगों के ख्यालों में तब्दीली हो रही है, उससे इंसान यह महसूस करने लगा है कि वह जो चाहे कर सकता है और करा सकता है, मगर वह करने और कराने की ताकत क्या है? वह एक दिन के अंदर कोई एक शहर ही नहीं सैकड़ों इलाकों को बर्बाद कर सकता है। अभी तक किसी आदमी के हाथ में बर्बाद करने की ताकत के अलावा पैदा करने की ताकत नहीं आई है। हो सकता है कभी वह ताकत भी आ जाए, पर आज बर्बाद करने की ताकत है, पैदा करने की ताकत नहीं। गांधी जी जिस समाज का स्वप्न देखा करते थे, वह एक ऐसा समाज था जिसमें सब लोग खुशहाल होंगे और किसी को किसी दूसरे को सताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंसान इंसान रहेगा। वह न तो शैतान बनने की कोशिश करेगा और न खुदा बनने की। वह चाहते थे कि मनुष्य के लिए चारों तरफ से जो हदें बांधी गई हैं, उन्हीं के अंदर रहकर जितनी हो सकती है वह अपनी उन्नति करें, पर उन हदों के बाहर न जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज साइंस की काफ़ी तरक्की हो गई है, पर किस ओर? आज रोगों की परीक्षा के तरीकों में बहुत कुछ तरक्की हो गई है और साथ ही साथ रोगों में भी तरक्की होती जा रही है। इस दौड़ का एक ही नतीजा हो सकता है कि हजारों की तादाद में रोगियों की संख्या बढ़ती जाए, जहां सिर्फ नाड़ी देखकर ही सब कुछ पहचाना जाता था, वहां आज कम से कम 5-7 लेबोरेटरीज की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से जहां घर में चरखा चलाकर हम अपना कपड़ा बना सकते थे, वहां आज हमको रुई दुनिया के एक कोने से लानी पड़ती है। उसे लाने के लिए जहाज, रेल आदि हर तरह के वाहनों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा उसे एक कारखाने से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे में भेजना पड़ता है और उसके बाद एक दुकान से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी में, तब कहीं हमारे घर में कपड़ा आता है जिसको हम पहले आसानी से घर पर तैयार कर लिया करते थे। उसमें अब कितनी देर होती है? मैं यह नहीं कहता कि जो कुछ हुआ है सब गलत हुआ है, क्योंकि ऐसा कहने से लोग समझते हैं कि
यह पिछड़ा आदमी है। हम तो यह चाहते हैं कि साइंस के द्वारा आज हमें जितनी अच्छी चीज़ें मिलनी हैं उनमें से हम एक को भी न छोड़ें और उनसे जो लाभ उठा सकते हैं ज़रूर लाभ उठाएं, मगर इसके पहले हम यह सोच समझ लें कि किस चीज़ की कीमत क्या है और यह हमें कहाँ तक ले जाएगी और किस ओर। यदि हम इतना समझ बूझ कर करेंगे तो इंसान इंसान ही रह सकता है। मैं यही चाहता हूँ कि जो रचनात्मक कार्यक्रम गांधी जी ने बताया वह बहुत अनुभव के बाद इन सब चीज़ों को परख करके ही उन्होंने निकाला था। स्टॉप।